मुझ पे बहुत शदीद तनकीद भी हो रही है। इनका सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, पीटीआई का। यंगस्टर्स, नौजवान जो सिर्फ कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, इनको हजारों लाखों की तादाद में इन्होंने छोड़ा हुआ है इसी काम के लिए कि जो भी इन पर तनकीद करे ये उसकी उम्र, मर्तबे, उसके काम, उसकी इज्जत का लिहाज किए बगैर उसकी धज्जियां उड़ा दे। भारतीय इंटेलिजेंस और भारतीय सोशल मीडिया टीम्स को अब काम करने की जरूरत ही नहीं है। यही पीटीआई की सोशल मीडिया टीम काफी है पाकिस्तान को तबाह करने के लिए। मुझे हाइपर नेशनलिस्ट कहते थे, कुछ रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट के, जो मर्जी नाम दें, लाल टोपी वाला मजाक उड़ाएं, जो मर्जी कर लें। इंडिया की हुकूमत मुझे लेने के लिए पहुंच गई, सऊदी अरब की हुकूमत मुझे कत्ल करना चाहती है। यानी इतनी बड़ी बड़ी हुकूमतें मेरे खिलाफ हैं कि आपने इंडिया को ऑप्शन दे दिया कि आप डिफेंस लाइन मजबूत कर लें अपने यहां पे, पहले डेमोग्राफी चेंज करें, कश्मीर भी हड़प कर लें, लाइन ऑफ कंट्रोल को भी आप सील कर लें, और फिर आपने इंडिया को ओपन स्पेस दे दी ये कहकर कि हम, चूंकि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, उसने देख लिया कि ये जंग करने वाली हुकूमत नहीं है, उसने 100 अरब डॉलर का असलाह जमा करना शुरू कर दिया, राफेल, द नेक्स्ट 400 एंड ऑल एवरीथिंग, कि हमने अब पाकिस्तानी, जिसको ये पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, हमारे आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा करना है हमने, और एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी ये पिछले 3 साल से कर रहे हैं, 2019 के बाद ही उन्होंने शुरू कर दी थी, और अब वो ऐसी स्टेज पे आ गए हैं कि किसी भी दिन वो पाकिस्तान में रोल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, पाकिस्तान में एक अलग सी स्पीसीज है और वो बहुत ही दुनिया में यूनिक है। ऐसी स्पीसीज शायद दुनिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। उसका नाम है जैद हामिद, उसको प्यार से लोग लाल टोपी कहते हैं क्योंकि हमेशा वो लाल टोपी लगा के रखता है। दोस्तों, तो क्या हुआ दोस्तों, उसके अपनी ही कंट्री में अब क्या हुआ, लोग उसके ऊपर ट्वीट कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको लेकर के सब उसके ऊपर हंस रहे हैं। तो दोस्तों, इससे जो लाल टोपी है उसको बड़ा हर्ट हुआ है, क्योंकि वो समझता है कि वो पाकिस्तान आर्मी का सबसे क्लोज आदमी है और वो जो चाहता है वो कर सकता है, वो बहुत बड़ा मास्टर माइंड है, इंडिया की उसको बहुत समझ है और वो गजवाए हिंद करना चाहता है, तो इस तरह की बातें हैं। लेकिन है, मतलब एक नंबर का आप कह सकते हो, अब समझ आइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, अब वो जब उसकी ट्रोलिंग हो गई तब वो अब मीडिया पे आकर के रोना शुरू कर दिया। उसको लगा कि यदि मैं अपने ही मुल्क में मेरी बेइज्जती हो रही है, तो आइए देखते हैं कि लाल टोपी का इस अभी क्या रोना है अपने मुल्क में। इसका मतलब है कि पाकिस्तान से इश्क और जुनून, हमारी पूरी सीरीज भी थी पाकिस्तान एक इश्क और एक जुनून, पूरे पाकिस्तान में हमने दौरे किए, नौजवानों को इकट्ठा किया, ये सारी आइडियोलॉजी रेवोल्यूशन की, इंकलाब की, हत्ता की, ये लफ्ज सुनामी भी मेरा दिया हुआ था, ये लफ्ज खिलाफत राशदा भी मेरा दिया हुआ था पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कि हम पाकिस्तान में खिलाफत राशदा की तर्ज पर रियासत बनाएंगे। आप सारे पुराने मेरे लेक्चर्स और इंटरव्यूज और मेरी टॉक्स उठा के देख लीजिए, अल्लाह के फजल से ये सारी बातें डॉक्यूमेंटेड है। जाहिर है मेरे खिलाफ फिर एक शदीद प्रोपेगेंडा भी हुआ पाकिस्तान में, लिबरल तबका भी, ये साउथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन, ये जियो, ये हामिद मीर, ये सारे साहब मारवी सरमद, ये सारा ग्रुप मेरे खिलाफ हुआ शदीद कि जी ये तो इस्लामी निजाम लाना चाहते हैं, ये तो पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाना चाहते हैं। और दूसरी जानब, दूसरा एक्सट्रीम जो रिलीजियस मौलवी तबका था जिसका ताल्लुक खवारिज के साथ था, ताहिर अशरफी से शुरू कर लें आप, और टीटीपी और बीएलए और जितने भी ये दहशतगर्द मजहबी थे या सेकुलर, ये सब मेरे खिलाफ हुए। जाहिर है भारतीय हुकूमत तो वैसे ही मेरे खिलाफ थी। तो इस वक्त प्रैक्टिकली पूरे पाकिस्तान में जितने भी एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स थे वो मेरे खिलाफ थे, जितने भी प्रो पाकिस्तान पेट्रियोटिक एलिमेंट्स थे वो मेरे साथ थे। और उस वक्त तक इमरान को इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर सका था पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। और अल्लाह का शुक्र है कि 2010 के बाद से ही पूरी इंटरनेशनल मीडिया में भी ये एक्नॉलेज किया जाने लगा कि पाकिस्तान से अगर सबसे ज्यादा स्ट्रांग पेट्रियोटिक वॉइस है तो वो जैद हामिद की है। मुझे हाइपर नेशनलिस्ट कहते थे, कुछ रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट के, जो मर्जी नाम दें, लाल टोपी वाला मजाक उड़ाएं, जो मर्जी कर लें, लेकिन पूरा इंडिया मुझे जानता है, पूरी दुनिया प्रैक्टिकली जो पाकिस्तान पर नजर रखती है मुझे जानती है। और फिर उसकी बहुत भारी सजा मैंने काटी कि मैं जब सऊदी अरब उमरा करने के लिए गया तो सऊदी हुकूमत ने मुझे गिरफ्तार कर लिया ये कहकर कि मैं ईरानी जासूस हूं, और मैंने ईरान के कहने के ऊपर पाकिस्तानी फौजों को यमन भेजने से रोका था, और यह शिकायत भी ताहिर अशरफी ने लगाई थी। कैन यू इमेजिन दैट, आज बैठा मैंने इमरान की हुकूमत में, इतना बड़ा मिनिस्टर था वो। और फिर जब मैं सऊदी अरब में गिरफ्तार था तो इंडियंस पहुंच गए मुझे लेने के लिए। डॉक्यूमेंटेड बात है कि सुषमा स्वराज पहुंची और इंडियन डेलीगेशन आए कि मुझे वहां से उठाकर इंडिया ले जाएं। वो शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह खुश रखे जनरल राहील को और जनरल रिजवान को, जो इस वक्त DGISI थे यहां पर, वो खुद सऊदी अरब गए और मुझे सऊदी अरब से निकाल कर लेकर आए। नवाज शरीफ की हुकूमत ने मुझे सऊदी अरब में छोड़ दिया, ये कहा कि जी हमें इस आदमी से कोई ताल्लुक नहीं, परवेज रशीद का बयान है कि जैद हामिद से ज्यादा बेवकूफ नामाकुल आदमी मैंने कोई नहीं देखा, पड़ा रहे सऊदी अरब की जेल में। सिर्फ अल्लाह का फजल था
ये नामुमकिन बात, लिटरली मछली के पेट में से जैसे निकल कर आने वाली बात है कि अल्लाह ने उस वक्त पाक फौज को भेजा, जनरल राहिल को भेजा, आईएसआई को भेजा जो मुझे वहां से निकाल, रिजवान को भेजा जो मुझे निकाल कर लेकर आया, और दुश्मनों का सारा प्लान अल्लाह ने रुसवा किया। और सब जानते हैं, ये तो पुरानी बात नहीं है, कि मैंने जितनी शदीद मज़ामत की कि कौम को वैक्सीन ना लगाई जाए, कौम को लॉकडाउन ना किए जाए, आप ये ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंडा पाकिस्तान में नाफिज ना करें, ये कोरोना इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि इसके लिए पूरे मुल्क को तबाह करवा लिया जाए, 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार किया आपने, आपने लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों को जहरीले टीके लगा दिए जो अब मरने के टाइमलाइन के ऊपर है, कोई पहले मरेगा कोई बाद में मरेगा, लेकिन सबकी जिंदगियों में आपने सालों कम कर दिए। पूरी दुनिया, पूरी कौम मेरे खिलाफ खड़ी थी, आर्मी मेरे खिलाफ थी, आईएसआई मेरे खिलाफ थी, गवर्नमेंट मेरे खिलाफ थी, पॉलिटिकल पार्टीज मेरे खिलाफ थी, मीडिया मेरे खिलाफ था। यानी मैं शायद पाकिस्तान का वाहिद एनालिस्ट हूं जिस पर पाकिस्तानी मीडिया में पाबंदी है। मोटरसाइकिलों पर फिरने वाले बेगैरत राशि आज बड़े बड़े एंकर बने हुए हैं, बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं उनके। मुझे जनरल बाजवा और फैज के दौर में शदीद पाबंदियों का सामना करना पड़ा। मुझे बाकायदा जनरल फैज के दफ्तर से बुलाया गया एक दफा, मुझे हुक्म दिया गया कि आप इमरान की मुखालफत बंद कर दें क्योंकि इमरान हमारा प्रोजेक्ट है और हम इसको लेकर चलेंगे। मैंने कहा जी दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा, बंदा ठीक नहीं है, आप अगर ये समझते हैं कि आप इसे कंट्रोल कर लेंगे तो ये भी गलत है, इसके बहुत भारी ताल्लुकात हैं इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के साथ, इसके बच्चे यहूदियों के पास हैं। सबसे जो पहला इम्तहान इमरान खैर लेकर आ गए, ये हुकूमत में इमरान आ गए, ग्लोरी अमरीका का दौरा, ट्रंप से मुलाकात, ये वो टाइम था कि जब मुझे पता लग गया था ये बात कि ट्रंप ने उस वक्त कहा था कि मैं कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान और भारत से बात कर रहा हूं, मैं मीडिएट करूंगा। आप निकालें रिकॉर्ड उस वक्त का, आपको ये बात उस वक्त मिलेगी ट्रंप ने जब ये अमरीका गए थे, तो और मैं करने को तैयार हूं और मैं कर रहा हूं। तैयारी नहीं, उसने की थी, उसने इनको बता दिया था कि चंद महीनों के बाद इंडिया आर्टिकल 370 वायलेट करने के बाद कश्मीर पर कब्जा कर लेगा, आपने शोर नहीं मचाना। इन्होंने ये बात सुनी, और जाहिर है इस काम में जनरल बाजवा ऑन बोर्ड थे, इमरान ऑन बोर्ड था, फैज ऑन बोर्ड था। ये वापस आए, उस वक्त वापस आए तो उन्होंने कहा मुझे लगता है जैसे मैं एक और वर्ल्ड कप फतह करके आया हूं, बिल्कुल उसके अल्फाज डॉक्यूमेंट है, सारे रिकॉर्डेड है। और वापस आने के कुछ अरसे के बाद इंडिया ने आर्टिकल 370 वायलेट कर दिया, वो कश्मीर में दाखिल हो गए, उन्होंने कश्मीर कैंसिल कर, दाखिल तो थे, उन्होंने कश्मीर को जम कर लिया। और पाकिस्तान में जैसे इनको हुक्म दिया गया था अमरीका की जानिब से, इन्होंने सिर्फ एक सड़क का नाम बदला और थोड़ी देर धूप में खड़े रहे। मेरी फैज के दफ्तर में मुलाकात हुई उस वक्त, और मैंने उनको सख्ती से कहा कि ये, बल्कि कई महीनों से मैं उनको कह रहा था कि इंडिया बहुत बड़ी हरकत करने जा रहा है, उसकी जंगी तैयारियां हो रही हैं, कोई बड़ा मूव करने जा रहा है उसने, क्योंकि सारे मकबूजा कश्मीर में उसने सारी पुलिस और आर्मी को सैटेलाइट फोन्स देने शुरू कर दिए थे। ये एक चीज, एक क्लू देती है आपको कि वो अपनी सारी आर्मी को, सारी पुलिस को, सारे गवर्नमेंट ऑफिस को सैटेलाइट फोन क्यों दे रहे हैं, इसका मतलब है कि लैंडलाइन और कम्युनिकेशन और इंटरनेट को वो बंद करने जा रहे थे। तो मैंने बहुत अरसे से इनको बता रहा था कि कुछ हो रहा है, ये प्रटेंड करते रहे कि जी हमें पता ही नहीं है। बाद में जब आर्टिकल 370 वायलेट हुआ तो एग्जैक्टली यही हुआ कि उन्होंने इंटरनेट शट डाउन कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया, लॉकडाउन कर दिया, और ये वो वक्त था कि जब सारे उन्होंने इंडियन आर्मी जो थी वो सैटेलाइट फोन यूज करने लगी। आई वेंट बैक टू देम एंड आई सेड, फैज के दफ्तर में जाकर मैंने कहा कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, कहा था तुम लोगों को कुछ होने वाला है, अब हो गया, इस पर रिस्पॉन्स बिल्ड करो इस पर, ये पाकिस्तान की शहरक काटी है इन्होंने, और सिर्फ यहां इंडिया नहीं रुकेगा, इसके बाद वो डेमोग्राफी चेंज करेगा, वो कश्मीर को जम करेगा, और फिर वो जब एक दफा कश्मीर ले जाएगा, 1 करोड़ पाकिस्तानियों को उसने हिंदुस्तानी बना लिया, भारतीय बना लिया, वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी को ओन कर लिया, आपके हाथ से लेकर चला गया, आप खामोश कैसे बैठेंगे। तो मुझे जवाब फैज के दफ्तर से यह दिया गया कि हम इस पर सिर्फ पॉलिटिकल मूव करेंगे, हमने कोई इस पर मिलिट्री रिस्पॉन्स नहीं देना। और फौरन निशा महमूद कुरैशी का बयान आ गया कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, वो जाहिर है दे वर ऑल ऑन बोर्ड। जाहिर है कि मैंने शदीद प्रोग्राम किए थे इसके ऊपर, ऐसा ये पाकिस्तान को रेजिस्ट करना चाहिए, हमें कम से कम एक लिमिटेड वॉर कश्मीर के अंदर करनी चाहिए, कश्मीर को प्लेट में रख के क्यों दे दिया तुमने, 70-75 साल हम कश्मीर पर लड़ते रहे और इंडिया को इतनी आसानी से कश्मीर दे दिया, और फौरन ही इन्होंने सीज फायर कर दिया लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वहां पे आपने इसको सीज फायर करके ये कह दिया कि तुम वहां पे अपने डिफेंसिव बंकर्स बना लो। इंडिया ने फौरन ही 18,000 बंकर बनाए वहां पर, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल को इम्पेनेट्रेबल कर दिया, यानी हम दाखिल ही नहीं हो सकते अब इस साइड से हम, इंडिया को आपने खुला, अभी तक सीज फायर चल रहा है बाय द वे। दोस्तों पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है, कहां से आते हैं ऐसे लोग, ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं, कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।